हाय गाइस, मेरा नाम है अमन। आज मैं टेक ब्रेक में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारी कमाल की टेक न्यूज हमेशा की तरह। गाइस, आज हम शुरुआत करेंगे इंस्टाग्राम रील्स के साथ में। टिकटॉक के बैन होने के बाद से मार्केट में आपको तरह तरह के शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्स देखने को मिले। इसमें साथ में एक इंस्टाग्राम का फीचर भी आया जिसका नाम था इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम रील्स के अंदर आप टिकटॉक की तरह ही 15 सेकंड की वीडियो बना सकते थे, बट अब से वो ड्यूरेशन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप 15 सेकंड से ज्यादा तक की वीडियो बना पाओगे और साथ ही साथ इंस्टाग्राम रील्स के अंदर जो एडिटिंग फीचर्स थे उनको भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है। अब देखते हैं धीरे धीरे इंस्टाग्राम रील्स अपने आप को इम्प्रूव करते हुए किस स्केल तक पहुंच पाता है। वैसे हमारे पास टेक ब्रेक में आज सैमसंग की तरफ से भर भर की न्यूज। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक न्यूज है ना, वो है सैमसंग गैलेक्सी A72 के बारे में। गए जो सैमसंग गैलेक्सी A72 होगा ना, वो सैमसंग की तरफ से होगा पहला स्मार्टफोन जिसमें आपको देखने को मिल सकते हैं बैक साइड में 5 कैमरा। इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 5 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर। ये कहा जा रहा है कि ये 2021 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च होगा। तब देखते हैं कि इसके अलावा इसके अंदर और क्या इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आती हैं। गाइस, अक्टूबर का महीना सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए बहुत ही जबरदस्त महीना रहने वाला है। दिवाली से पहले सभी कंपनीज भर भर के अपने फोन लॉन्च करेंगी। सैमसंग की तरफ से भी आपको एक फोन 8 अक्टूबर को देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी F41। गाइस, इसकी कुछ मेन हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको 6000 mAh की एक मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगी सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले। परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो आपको एक्सिनोस का 9611 प्रोसेसर दिया जा रहा है। तो गाइस, परफॉर्मेंस वाइज आप इसको एक ठीक ठाक फोन बोल सकते हो। बाकी आपको सारी डिटेल इस फोन के एक्चुअल लॉन्च के बाद बताई जाएगी। कई जियो की तरफ से भी ये न्यूज आई ही थी कि इसने गूगल, फेसबुक और क्वालकॉम जैसी कंपनीज के साथ डील कर ली है और वो इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी 20 करोड़ लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स लेके आने वाले हैं। साथ ही साथ अभी न्यूज आई है कि जियो ने एरो मोबाइल कंपनी के साथ डील करी है और वो इंडिया के अंदर लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी फर्स्ट इन फ्लाइट सर्विस। गाइस, अब आप 22 एयरलाइंस की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ट्रेवल करते टाइम अपने मोबाइल फोन का यूज कर सकते हो। ये जो स्कीम है ये है जियो पोस्टपेड यूजर्स के लिए। जियो की तरफ से कुछ इनिशियल प्लान्स भी आए हैं। जो सबसे पहला प्लान उन्होंने दिया है वो है 499 रुपीज का, जो एक दिन तक वैलिड रहेगा। कई चांसेस बहुत ज्यादा है कि इंडिया के अंदर Redmi Note 10 सीरीज अक्टूबर के महीने में लॉन्च हो जाए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग MI 10T Lite ही रीब्रांड होकर Redmi Note 10 या Redmi Note 10 Pro बनकर इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है और इसके अंदर आपको Snapdragon का 750G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है जो कि 5G प्रोसेसर है एंड इज वन ऑफ द Qualcomm's मोस्ट पावरफुल चिपसेट। बाकी देखते हैं इसके लॉन्च होने के बाद क्या कुछ इसमें इंटरेस्टिंग रहता है। नेक्स्ट जो बिग न्यूज है ना, वो है Amazon की तरफ से। Amazon ने अपने न्यू रेंज के इको डिवाइसेस को कर दिया लॉन्च। इसमें मेनली 3 डिवाइसेस हैं। एक है Amazon Echo, Echo Dot विद क्लोक स्मार्ट स्पीकर्स। गाइस, Amazon ने ये क्लेम किया है कि इन डिवाइसेस को बनाने में 100% रिसाइकल मटेरियल का उन्होंने यूज किया है, जो कि मुझे उनकी तरफ से बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेप लगा। साथ ही साथ Alexa के अंदर भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। गाइस, टेक ब्रेक में जो आज की लास्ट न्यूज है वो है MI स्मार्ट वॉच के बारे में। गाइस, आप जानते हो कि इंडिया के अंदर Xiaomi के स्मार्ट ब्रांड्स कितने ज्यादा पॉपुलर हैं। अब फाइनली पहली बार Xiaomi अपनी स्मार्ट वॉच को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है और ये वो लॉन्च करेंगे 29 सितंबर को। गाइस, उन्होंने इस प्रोडक्ट को Amazon के ऊपर लिस्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि फाइनली लॉन्च होने के बाद ये स्मार्ट वॉच इंडिया के मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म करती है। तो आज के लिए गाइस टेक ब्रेक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हर रोज आपके लिए लेकर आता हूँ क्वालिटी टेक वीडियोस। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।